हाय गाइस, दिस इज आर्किटेक्ट इन हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि निवीवो का जो है Y71 में जो है नया अपडेट आया है सॉफ्टवेयर का। तो चलिए हम जानेंगे उस सॉफ्टवेयर में जो है वो क्या फीचर्स ऐड हुए और क्या कुछ नया फीचर्स हमें मिला है। तो सबसे पहले हम अपना इंटरनेट ऑन करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हम आपको दिखेगा सेटिंग, दिखेगी सॉफ्टवेयर अपडेट, ये दिखेगा आप सिस्टम अपडेट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आपका दिखा देगा कितने एमबी का है। ये भी जो मेरे में आया 77 MB का जो है वो अपडेट आया हुआ है। यहाँ से कुछ देखते हैं क्या सिस्टम में ऑप्टिमाइज हुआ है। ऑप्टिमाइज द गूगल सिक्योरिटी पैच, कुछ नहीं है, बस सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है इसकी, और कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ इसमें। बस ये मेमोरी स्पेस जो है वो खाली हो जाएगा अपडेट करने से, तो कुछ खास अपडेट आया नहीं है। और फिर इसको हम जो है वो इंस्टॉल करके देख लेते हैं, अगर कुछ नया फीचर्स जो है सिस्टम में आया भी होगा तो वो पता लग जाएगा। तो हम यहाँ से इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं वीवो की डिवाइस के बारे में और भी जो है नए नए फीचर्स की जो सेटिंगों के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो हमारा जो वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर जो वो अपडेट हो चुका है। यहाँ से लेटेस्ट वर्जन है, मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा इंटरनेट ऑन कर लिख के। तो मैं इसके बारे में रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जो है भी ये चेकिंग अपडेट्स में द लेटेस्ट वर्जन। तो इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हुए होते हैं, अगर आपको पहले टाइम में आप नहीं पढ़ पाते हो, अगर अभी आप इसको देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है फ्रंट टच ओएस के ऊपर यहाँ पे एरो का साइन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जिससे क्या है कि जो करंट वर्जन जो आपकी डिवाइस में है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं जी या नए ऐड हुए हैं और कौन सा वर्जन है अपडेट का, तो वो यहाँ से आप जो उसको शो हो जाएगा, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मेरा वर्जन है 1.17.3। तो ये बस इसमें जो है अपडेट हुआ था। इसमें क्या अपडेट हुआ है कि इस मेमोरी जो वो खाली हो गई और जो उस एप्लीकेशन की जो रनिंग स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, जैसे मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन। तो क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या देखो, तुरंत जो है मेरी ओपन हो गई है। तो जैसे ही मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं सेटिंग ओपन कर रहा हूँ तुरंत ओपन हो जा रही है। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ तो तुरंत कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। यहाँ से थीम ओपन कर रहा हूँ मैं, तुरंत थीम ओपन है। तो ऐप की जो रनिंग स्पीड है वो काफ़ी जो इम्प्रूव हो गई है इस अपडेट से। तो इसमें और भी जो इम्प्रूव हुआ होगा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।